कि मसीह लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पूरे दुनिया के पापों के लिए मर गया, और जब पूरे दुनिया के पापों के लिए मर गया तो आज भी लोग पापों में क्यों है, आज भी लोग पापों में क्यों घूम रहे हैं। और एक इवेंजलिस्ट रेनहॉर्ड बोंके करके थे, वो एक रेडियो के टॉक शो में गए थे और वहां के एंकर ने उनसे पूछा, आप ब्लड ऑफ जीसस पर प्रचार करते हैं, आप यीशु के लहू के बारे में प्रचार करते हैं और आप कहते हैं कि यीशु के लहू के बहने से सारे दुनिया के पाप धुल गए, यदि ऐसा है तो आज भी लोग पापी क्यों है। रेनॉल्ड बोंके ने उनके तरफ स्माइल करी और स्माइल कर कहा, इस दुनिया में साबुन बनाने के, सोप बनाने के कितने कारखाने, कितनी कंपनियां हैं, कितने ब्रांड हैं। उन्होंने कहा, बहुत ब्रांड है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। रेनॉल्ड बोंके ने उनसे पूछा कि यदि वर्ल्ड में इतनी सारे साबुन बनाने के, सोप बनाने की फैक्ट्रीज हैं, साबुन बनाने के कई कारखाने हैं, तो अभी भी कई लोग गंदे क्यों है, क्यों चौराहे पर लोग गंदे हैं। उस एंकर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो जो लोग गंदे हैं वे शॉप पर नहीं गए, उन्होंने जाकर साबुन नहीं खरीदा और साबुन खरीदने के बाद वे नहाने नहीं गए, उन्होंने उस साबुन को अपने ऊपर नहीं लगाया, और जब तक वो अपने ऊपर वो साबुन को नहीं लगाएंगे वे साफ कैसे होंगे। रेनॉल्ड बोंके ने कहा, यीशु ने अपने लहू को पूरे दुनिया के लिए बहाया है, हर एक व्यक्ति के लिए बहाया है, मगर जब तक कोई उस लहू पर, उस बलिदान पर विश्वास करके उस लहू से अपने आप को धो न दे, वो कैसे साफ हो सकता है। चर्च क्रूस पर सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यीशु ने पूरा नहीं किया, यीशु ने तो पूरा कर दिया है, हम अपने तरफ से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को साफ और पाक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप को साफ और पाक कर देंगे, हम यीशु के लहू के द्वारा धुल जाएंगे।